हमारे देश के राजाओं की बात ही निराली है। अपने ख्वाहिशों और रुतबे की वजह से कई राजाओं ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। आज हम आपको एक ऐसे इकलौते राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी 365 पत्नियां थी, जिन्हें वो अपने भव्य महल में एक साथ रखते थे। ये महाशौकीन राजा थे पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह। हालांकि इन 365 रानियों में से केवल 10 रानियां ही उनकी अधिकृत रानियां थी। 12 अक्टूबर 1891 में पटियाला के मोती बाग में जन्मे भूपेंद्र सिंह महाराजा राजेंद्र सिंह के पुत्र थे। साल 1900 में पिता की मौत के बाद भूपेंद्र सिंह को राज्य का दायित्व मिला, जिसे साल 1909 में औपचारिक तौर पर भूपेंद्र सिंह ने संभाला। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे की मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि राजा अक्सर अपनी प्रजा को निर्वस्त्र होकर संबोधित करते थे। नग्न राजा का स्वागत काफी जोश और उल्लास के साथ होता था। राजकीय ठाट की अलग परिभाषा थी राजा भूपेंद्र सिंह के लिए। वो भारत में एयरप्लेन खरीदने और अपने राज्य में रनवे बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। भूपेंद्र सिंह के पास 44 रोल्स रॉयस थी, जिनमें से 20 रोल्स रॉयस का काफिला रोजमर्रा में सिर्फ राज्य के दौरे के लिए इस्तेमाल होता था। राजा भूपेंद्र सिंह के हिटलर से भी अच्छे संबंध थे। 1935 में बर्लिन दौरे के वक्त भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई। कहा जाता है कि राजा से हिटलर इतने प्रभावित हो गए कि उसने अपनी मायबैक कार राजा को तोहफे में दे दी। भूपेंद्र सिंह के पिता महाराजा राजेंद्र सिंह ने खेल को काफी बढ़ावा दिया था। उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच चैल में बनवाई। 1911 में भूपेंद्र सिंह की कप्तानी में ब्रिटेन में टीम ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्रिकेट के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत करने वाले भी भूपेंद्र सिंह ही थे। इसके अलावा राजा ने पोलो में भी काफी पदक जीते। अब बात करते हैं राजा की पत्नियों के बारे में। राजा साहब किस रानी के साथ रात गुजारने वाले हैं, इसका चयन भी वो बेहद अजीब तरीके से किया करते थे। राजा भूपेंद्र सिंह के महल में यूं तो ढेर सारी लालटेन जला करती थी, लेकिन उनमें से 365 लालटेन काफी खास थी। रात में जलने वाली लालटेन ही फैसला करती थी कि राजा को किस रानी के साथ रात गुजारनी है। आपको बता दें कि 365 लालटेन पर सभी रानियों के नाम लिखे होते थे और सुबह जो लालटेन सबसे पहले बुझती थी, राजा उस रानी का नाम पढ़ते थे और आने वाली रात उसी रानी के साथ गुजारते थे। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह की 10 पत्नियों से 83 बच्चे हुए थे, जिनमें से 53 ही बच्चे जी पाए थे। यही नहीं, महाराजा भूपेंद्र सिंह ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल बनवाया था। पूल इतना बड़ा था कि 150 मर्द औरतें एक साथ नहा सके। यहाँ बड़ी शानदार पार्टियां होती थी। पार्टियों में खुलेआम रंगरलियां चलती थी। उन पार्टियों में शरीक होने के लिए महाराजा अपनी प्रेमिकाओं को बुलाते थे। वे सब महाराजा और उनके 2-4 खास मेहमानों के साथ तालाब में नहाते और तैरते थे। पटियाला पैग भी दुनिया को महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। साल 1929 में राजा की ठाट का एक और उदाहरण सामने आया, जब उन्होंने कीमती नग, हीरो और आभूषणों से भरा संदूक पेरिस में जौहरी को भेजा। लगभग 3 साल की कारीगरी के बाद तैयार हुए इस हार ने खूब चर्चा बटोरी। तकरीबन 177 करोड़ की कीमत वाला यह हार देश के सबसे महंगे आभूषणों में से एक है। अमर उजाला.com